गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और कैसे चला आपका पिगमेंटेशन चैलेंज? तो अच्छे से फॉलो करते रहिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको हर जो हम चीज़ डाइट खा रहे हैं वो कैसे आपको पिगमेंटेशन के लिए फ़ायदा पहुँचा सकता है, तो इसके बारे में मैं डे बाई डे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने यही आपका एक चैलेंज पकड़ा हुआ है कि अभी मैं आपको जो मैंने आपको डाइट बताई है हर चीज़ का वैल्यू बताऊंगी कि वो खाने से आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे जिससे आपका पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा। एक चीज तो आप मान ही चुके होंगे कि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं पर किसी से भी आपको इफेक्ट नहीं आया है। इवन और जो आपकी हालात थे, आपकी स्किन बद से बदतर जरूर हुए पर फायदा नहीं हुआ है। कुछ आपने क्रीम में कुछ ट्रीटमेंट्स लिए हैं, कुछ ऐसी चीजें करी हैं आपने जिसे आप कुछ टाइम के तो आपको लगा कि आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पर आफ्टर सम टाइम इन द लॉन्ग रन यूज करने के बाद आपको लगा कि आपकी स्किन और खराब हो गई है और सेंसिटिव हो गई है। उसमें इतनी सेंसिटिविटी आ गई है कि अगर आप धूप से भी हल्का जा रहे हो तो आपको रिएक्ट कर रही है, रेडनेस आ रही है, या आपको कुछ भी आप फेस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब होता है जो हम केमिकल की तरफ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो टाइम जा चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। पर हमें आगे क्या करना है, आगे कैसे हमें अपनी स्किन की टेक केयर करनी है तो बताने वाली हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं तीन चीज़ें अपनी डाइट में बताई, मैंने आपको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और कल मैंने मखाने बताए थे। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपको खाने हैं, कब खाने चाहिए, इनको खाने से क्या क्या फ़ायदा होगा, वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आई, दीदी इस चीज़ से वेट कम हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में वीडियो बना के। तो जैसे कि आज मैं फिर से बताने वाली हूँ, कुछ और कमेंट्स आए मेरे उनको भी लेने वाली हूँ, पर पहले आज आपको पहले ही डाइट का मैं पूरा क्लियर करूंगी ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन हो वो खत्म हो। तो गाइस, जो बादाम होता है, सबसे बड़ी बात है बादाम में होता है विटामिन ई और विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट और बहुत कुछ होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर मैं खाली आपको ये बताऊंगी कि बादाम में हमारी स्किन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए स्पेशली विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई आपको पता है आपकी स्किन के दाग धब्बों के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, आपका स्किन का टैन हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी कुछ समय पहले मैंने मसूर की दाल का फेस पैक शेयर किया था, आपने देखा होगा मैंने वो पाउडर जो बनाया था उसमें मैंने कुछ बादाम भी डाले थे। तो वो नेचुरल तरीके से बादाम से आपको विटामिन ई मिल जाएगा, वो आपकी स्किन के जो दाग धब्बे होंगे उनको हटाने का काम भी करेगा। तो गाइस, जो ये जो बादाम होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि इनमें विटामिन ई का यूज विटामिन ई होता है जो नेचुरली हमारी स्किन को ग्लो करता है। ये नेचुरल तरीके से दाग धब्बे हटाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको 5 बादाम बिल्कुल कन्फर्म है आपको खाने खाने हैं। और इनको खाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट खा ले, क्या होता है गर्म होते हैं बादाम, एक गर्म जितने भी नट्स होते हैं ना वो मोस्टली गर्म होते हैं। उनमें एक ऐसा चीज़ होती है जिसको आप डायरेक्ट खाएंगे तो उतना हेल्दी नहीं होता, पर अगर आप इनको भिगा के खाते हो तो इनके जो न्यूट्रिशन है, इनका पोषक जो वैल्यू है वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है। और हमेशा इसको भिगा के खाना है, भिगाने के बाद सुबह इसके छिलके उतारना है, फिर आपको खाना है, वो खाने में बहुत सॉफ्ट भी जाता है, इजिली वो च्यूइंग भी हो जाता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। तो हमेशा बादाम को, तो 5 बादाम आप मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी समझ लीजिए आपको खाने खाने, तो 5 बादाम इनफ है। मैंने आपको पहले भी बताया हर चीज़ की क्वांटिटी खाइए, उतनी खाइए जितनी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट हो। ये नहीं है कि आप 10-10, 15-15 खा लो और फिर वो वेस्ट में जाए, तो कोई फायदा नहीं है। तो 5 बादाम इनफ है क्योंकि आपको और भी नट्स खाने हैं ना। तो इसलिए आपको ये बताया था कि आपको जो कन्फ्यूजन न रहे, कुछ लोग बादाम ज़्यादा भी खा रहे होंगे, कुछ 2 ही खा रहे हो, तो मैं आपको 5 बादाम बता रही हूँ, 5 आप खाइए खाइए, वो आपको कोई नुकसान भी नहीं देंगे, आपको फायदा देंगे, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। अगर आप डेली 5 बादाम खाते हैं तो आप इसका रिजल्ट क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये आपको अंदर से स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। आप रेगुलर बादाम खाइए, ये अंदर से क्योंकि विटामिन ई विटामिन ए भरपूर मात्रा में जा रहा है और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको भरपूरता देगी, तो आप ये क्या होगी स्किन पे एक नेचुरल मॉइस्चराइज का काम करेगा और दाग धब्बों और टैनिंग के लिए गाइस ये रामबाण है। तो बादाम आपको इसलिए मैं कहती हूँ आप इसको ऐड कीजिए, नट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने दूसरा नट लिया है, मखाने ले चुकी हूँ, आज मैंने आपको बादाम के बारे में बताया। बादाम मैं क्यों बोलती हूँ आपको, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई भरपूरता से साथ इसमें मिल जाता है, तो हमारी बॉडी को बाहर से कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेचुरली हमें बादाम से विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। और अभी धीरे धीरे मैं आज आप इसका बता रही हूँ, कल मैं आपको पिस्ता का बताऊँ, तो इस तरह मैं वन बाय वन बता रही हूँ और साथ में क्वांटिटी भी बता रही हूँ कितनी खानी है ताकि आप उतनी ही क्वांटिटी में खाएं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।